हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डोंट हैव ए पार्टनरशिप डील। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहां पर ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और इन्होंने कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं कर रखी आपस में और ईयर के एंड में ये कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है कि हम कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, कितना प्रॉफिट बांटेंगे, कितना कैपिटल होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी ना तो ओरल एग्रीमेंट है ना ही रिटर्न एग्रीमेंट है, तो उस केस में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल यहाँ पे लगाते हैं। तो देखते हैं, ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। यहाँ पर ए चाहता है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले जबकि बी और सी नहीं चाहते, तो इसका आंसर है ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर ए को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा और ना ही बी को मिलेगा और ना ही सी को मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बी B wants that the partners should be allowed to draw salary, but A and C do not agree. यहाँ पर B चाहता है कि partners को salary मिले, लेकिन A और C ऐसा नहीं चाहते। Same, यहाँ पर भी partnership deed नहीं है। अगर partnership deed नहीं होती है, तो किसी भी partner को salary नहीं मिलेगी। C, A and B want that C should pay इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सी डज नॉट एग्री। यहां पर ए भी चाहते हैं कि सी फर्म को इंटरेस्ट पे करे जो उसने फर्म से लोन लिया हुआ है, लेकिन सी इंटरेस्ट देना नहीं चाहता। तो इस केस में, क्योंकि यहां पर भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसे इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर हम सी से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट डी, ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ए और बी ने कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट किया हुआ फर्म में, दे डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। और वो चाहते हैं, ए और बी चाहते हैं कि जो प्रॉफिट बटे वो कैपिटल रेशियो में बटे, लेकिन सी डज नॉट एग्री, लेकिन सी ऐसा नहीं चाहता। तो इस केस में भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट इक्वल बटेगा, तो यहां पर सी सही है और ए और बी सही नहीं है। तो इस केस में सभी पार्टनर्स में ए बी सी में प्रॉफिट इक्वल बटेगा, चाहे किसी भी पार्टनर्स ने कितनी भी कैपिटल फॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी हो। तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूं। ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। तो यहां पर जो ए ने क्लेम किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो गलत है। तो ए'स क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन, बी वांट दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। यहां पर बी बी का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो बीज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। नेक्स्ट सी, A and B want that she should pay interest on loan given to him by the firm, but she does not agree. यहाँ पर
जो इसका आंसर है ए एंड बी, क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, ए बी का क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इस केस में सी विल नॉट पे इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब पार्टनरशिप डील। नेक्स्ट डी, ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सी डज नॉट एग्री। तो यहां पर प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो इस केस में सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट इक्वल बटेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।